रतलाम से सातरुंडा के बीच फोरलेन पर उमर थाना फंटे के पास एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बिलपांग पुलिस मौके पर पहुंची। लाश से कुछ ही दूरी पर एक पिकअप वाहन लहसुन से भरा हुआ लावारिस हालत में खड़ा मिला। महिला की हादसे में मौत हुई है या उसकी हत्या कर शव फेंका गया है, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए बिलपांग पुलिस ने बताया, थाने पर अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक लाश जो है प्रकाश नगर पुलिया के पास पड़ी है। उस सूचना पर मौके पर आया था, एक महिला की लाश पड़ी है, अज्ञात महिला की लाश पड़ी, उम्र होगी 35-40 के बीच में। फसल अधिकारी मौके पर आ गए, जांच चल रही है, जैसा भी पाया जाएगा वैसा की है। बारिश ने भी रफ्तार नहीं पकड़ी है। शुरुआती मानसून में ही शहर की व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। शहर को भले स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन शहर में विकास ठप होने से समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। शहर के सैलाना रोड स्थित बड़बड़ क्षेत्र में रहने वाले रहवासी लंबे समय से विकास की आस में है, लेकिन अब तक यहाँ ना तो विकास पहुँचा है, ना ही विधायक की घोषणाओं को पूरा किया गया। बड़बड़ क्षेत्र वैसे तो प्राचीन हनुमान मंदिर होने का आस्था केंद्र है। बड़बड़ गांव जो कि निगम की सीमा में आता है, यहां के रहवासी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से त्रस्त है। बारिश होते ही यहां कीचड़ ने पहुंच मार्ग बाधित कर दिया है। उजाड़ सड़क अब तक नहीं बन सकी है, जबकि विधायक ने सड़क बनाने का भरोसा दिलवाया था। लाइट और पेयजल समस्या का भी पार्षद विधायक से लगाकर प्रशासन तक निदान नहीं कर सके। बड़बड़ क्षेत्र के रहवासियों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, समस्या सब बात की भी नी तो गांव में सड़क है, नी पानी में आई रो है, नहीं लाइटा भी नहीं है, थम्बा पे लाइटा भी नहीं लगे, अंधारा घूप रहे और रात के छोरा छोरी, दिन के छोरा छोरी इतना गिरे के बस नहीं, कीचड़ आका गाँव। चेतन कर सब बोलियो क्योंकि मैं सड़क मणवा दू, अभी तक नहीं तो सड़क मणे नहीं आया समीचार लेवाने। अब यो तलाव भरियो तो कोई या नगर निगम में है कि पंचायत में काय में, यो हमारे निराकरण कर दे दे नहीं तो हम जाओगा कलेक्टर साहब का नहीं, सब जना बेरावे गाँव वाला क्यों गाँव काय में। अब बाहर जाओ तो कोरोना, अंदर जाओ तो मच्छर काटे, फिर पट जावा कटे जावा, हमारी समस्या तो सुने कोई, हमारे तो यूज काम नहीं था, आपके वोट नहीं दांगा, हम तो बोले कोई भी आई जाए पंचायत वाला नगर निगम किने भी वोट नहीं दांगा। हम तो हमारा पानी नहीं है, लोगों का टैंकर निकली रहा नहीं, वहीं की समस्या से सब वही रो है, सबका निकली रहा, सबका निकली रहा टोटल, कोई हमारे घर को हम दिन भर कड़े पानी, पानी का ठिकाना नहीं, मोल तो पानी डल रहा, हम सरकारी टैंकर आई रहा भी दिमाग लग रहा, 50-50 रुपए ले नाखा का टैंकर खाली कर रहा है, न हम केवान जावा तो 17 सुनावे भी 50 रुपया दे, एक एक घर पूरा पूरा टैंकर खाली वही रो है, नहीं तो हम वीडियो करने डालेंगे आपकी बार। सड़क को कोई भी समाधान भी नहीं होगा, सड़क को के नाली को के कई 5 मिनट बाहर भी नहीं बैठी सका, 5 मिनट भी बैठवा को है ही नहीं हमारे कई भी। शहर की प्राचीन सनातनी धरोहर इन दिनों देखरेख के अभाव की ओर उदासीनता का शिकार हो रही है। गत दिनों एंड टाइम्स ने त्रिवेणी के जर्जर कुंड में भरी गंदगी और अव्यवस्था पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। मानसून ने भी प्रारंभिक तौर पर आमद दे दी है, लेकिन नगर निगम ने अब तक इस धार्मिक आस्था स्थल की सफाई पर ध्यान नहीं दिया है, जो धार्मिक और संस्कृति परंपराओं के साथ खिलवाड़ ही है। सनातन धर्म के इस तीर्थ स्थल के जो उद्देश्य हुआ करते थे, उन्हें अव्यवस्थाओं ने बंद करने को मजबूर कर दिया है। अब यहाँ ना तो कुंड में नहाने की व्यवस्था बची और ना ही क्रियाकर्म किए जा सकते हैं। पूर्व पार्षद सतीश भारती ने बताया, धर्म की धरोहर है, प्रशासन ने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लगाया उनकी बहुत अच्छा काम किया, लगाना भी चाहिए, पर इसकी कोई देख रेख अभी इस प्रकार से नहीं हो रही है क्या? तो मैं चाहता हूँ कि नगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो गंदगी हो रही है बारिश के पहले इसकी निकालने की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी भराने के बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा इसमें, एक चौकीदार की भी आवश्यक है, अभी बीच में हादसा हो गया था, तैराक की व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए क्योंकि बीच में कभी व्यक्ति इसमें डूब के मर चुका है। तो मैं नगर निगम या प्रशासन से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक दो तैराक की यहाँ व्यवस्था रखे, जिससे कि होने वाले जो घटना दुर्घटना को रोक सके।
त्रिवेणी की परंपराओं से जुड़े भक्त बताते हैं। समस्या तो यह है साहब कि हमें रतलाम की परोवर प्राचीन धरोहर है, त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में नगर पालिका ने, प्रशासन ने, मुख्यमंत्री जी ने जो भी यहाँ पे खर्चा किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी देख रेख की वजह से इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। भविष्य में मैं बचपन से, मेरी उम्र 55 साल है, मैं करीब 10 साल से देखते वाला चौकीदार बराबर था, कभी कोई हादसा नहीं हुआ। अभी आप वही तो 15 दिन पहले भी एक हादसा हुआ है, यहाँ पे एक बालक शांत हो गया है, और वर्तमान में गंदगी, इसकी स्थिति खराब है। अगर हमें जो प्रशासन से और नगर पालिका से ये रिक्वेस्ट है कि आपने इतना खर्चा किया है, रतलाम की ये शान है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें। आपने बगीचा वगीचा अच्छा किया, ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है साहब, ना कोई आपने आदमी की व्यवस्था है यहाँ पर, ना लेडीज आ रही। अभी हम आए साहब, हमारे यहाँ गमी हो गई, हमारे परिवार में नहाने धोने की व्यवस्था नहीं, अब हम घर पर जाके नहाएंगे करेंगे, कैसे क्या व्यवस्था करेंगे। लेडीज आती है रतलाम के कोने कोने से नहाने का, ये एक स्रोत है हमारा सनातन धर्म का, और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है साहब, तो हमें कोई आगे कंप्लेंट नहीं करना है, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करना। हम तो चाहे कि आपने इतना खर्चा किया है तो इसकी थोड़ी सी एक आदमी को आप अटैच कर दे, कोई हादसा नहीं होगा, और इसकी साफ सफाई व्यवस्था बनी रहेगी, और कोई दुर्घटना घटित नहीं होगी, कोई असामाजिक तत्व भी आते जाते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे जाएंगे नहीं। धार पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने जगह जगह ज्ञापन दिए हैं। रतलाम में भी मंच ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप कर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। मंच ने धार पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन की मांग करते हुए मंच के कार्यकर्ताओं पर बनाए झूठे प्रकरण को निरस्त करने की मांग की है। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्म दिवस कांग्रेस ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। शनिवार को त्रिवेणी तट पर एक सादे समारोह से जिला युवक कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष मयंक जाट के नेतृत्व में भोजन प्रसादी वितरित की। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री प्रेमलता दवे, यश दवे भी उपस्थित रहे। इस प्रेम बस्ती में जिलाध्यक्ष मयंक जाट की मौजूदगी में प्रार्थना कर केक काटा गया। बाद में बस्ती में रहने वाले परिवारों में भोजन वितरित किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत कॉन्वेंट स्कूल से आनंद कॉलोनी तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बारिश के समय में बनाई जा रही सड़क के नाम पर जनधन का चूना ही लगाया जा रहा है। नियमों के मुताबिक बारिश में डामरीकरण सड़क उखड़ जाती है, तो यह सड़क कैसे गुणवत्ता वाली बन सकती है? इस मामले में एन टाइम्स ने पहले भी सवाल खड़े किए थे। यह सड़क बनने के साथ ही उखड़ने लगी है। कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए बताया, जैसा कि आप सबको विदित है, रतलाम शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो कॉन्वेंट स्कूल की चौराहे से लेकर आनंद कॉलोनी नाले तक डंबर की रोड बनाई जा रही है, उसमें ठेकेदार द्वारा कल बारिश हो गई है और पूरा सरफेस नीचे से गीला है, उसके बावजूद आज डंबर किया जा रहा है। परसों रात को भी पानी आया था, उसके बावजूद इनको कहा था तो इन्होंने काम रोक दिया था कि चलो कोई बात नहीं। आज नीचे का जमीन सूखी नहीं है और आज ये इनकी मन मर्जी पूर्वक काम कर रहे हैं और नीचे जमीन पूरी गीली है। मेरा इतना कहना, काम हम रोकने में विश्वास नहीं करते, काम कराने में विश्वास करते। रतलाम का विकास होना चाहिए, उसके लिए हम सब तैयार हैं, पर जनता का जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये मन मर्जी जो चला रहे हैं, डम्बर का काम कहीं भी इस प्रकार नहीं होता है। रतलाम शहर में कई लोगों ने देखा होगा डम्बर का काम, डम्बर पर डम्बर चलाया जा सकता है, पर ये तो जमीन पे काम कर रहे हैं और सरासर आपने खुद ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है कि मिट्टी गीली है और उसके बावजूद इस पर काम किया जा रहा है, ये रोड ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।